नमस्कार दोस्तों, आज हम रैंकिंग का पार्ट टू करने जा रहे हैं। पार्ट वन में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो पार्ट वन आप जरूर दिखेगा। अब पार्ट टू में हम लोग रैंकिंग के आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, राकेश इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, वेयर एज महेश इज 16 फ्रॉम द राइट, सुरेश इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टू, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम राकेश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत आसान है। तो इस क्वेश्चन में इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, राकेश इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, राकेश के रैंक लेफ्ट से 15th है। तो लेफ्ट से हमने ये राकेश लिया, राकेश की रैंक लेफ्ट से 15th है। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है इसमें कि जिस हिसाब से आपका राइट और लेफ्ट है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन में भी राइट और लेफ्ट लेके चलना है। तो राकेश का लेफ्ट से रैंक 15th हो गया, वेयर एज महेश इज 16 फ्रॉम द राइट, और महेश की रैंक 16th है राइट से। अब आगे बोला गया है सुरेश इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ टू, सुरेश राकेश और महेश के बिल्कुल मिडल में है। तो सुरेश दोस्तों ये आ गया, सुरेश बिल्कुल मिडल में आ गया। व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम राकेश, तो सुरेश की रैंक राकेश से क्या होगी। तो दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ क्योंकि 50 है पूरे रो की, और 15 बच्चे राकेश तक हो गए और 16 बच्चे महेश तक हो गए, तो 15 + 16 हो गए 31। तो 50 टोटल बच्चे हैं, 50 में से 31 बच्चे आपने माइनस कर दिए, तो कितने बच्चे बच गए, 19, 19 स्टूडेंट्स बच गए। तो 19 यानी कि बीच में होंगे कहीं ना कहीं, और इन 19 में सुरेश बिल्कुल मिडिल में है। तो सुरेश बिल्कुल मिडिल में है, तो 19 में से आप 1 फिर माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया, 18। अब इन 18 बच्चों का आप हाफ कर देंगे तो 9 आ जाएगा। हाफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मिडिल में है, तो 18 का हाफ दोस्तों 9 हो गया, तो 9 यहां पर होंगे और 9 यहां पर होंगे, 9, 9, 18 और एक सुरेश 19, तो ये टोटल 19 बच्चे हो गए। अब दोस्तों हमें रैंक पूछी है सुरेश की, व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम राकेश, तो सुरेश की रैंक पूछी दोस्तों राकेश से। तो राकेश से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो 9 बच्चे ये हो गए और सुरेश एक हो गया, 9 + 1 = 10, यानी राकेश की, राकेश से 10th राइट की तरफ सुरेश की रैंक होगी। तो इसका दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा, 10th राइट फ्रॉम राकेश, इसको मैं लिख देता हूं, 10th राइट फ्रॉम राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहन इज 20th फ्रॉम द फ्रंट, देयर वर थ्राइज एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन मोहन एंड द 7th स्टूडेंट फ्रॉम द एंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। मोहन इज 20th फ्रॉम द फ्रंट, तो मोहन ये हो गया, तो मोहन की रैंक 20th फ्रॉम द फ्रंट, अगर हम फ्रंट इसको मानते हैं तो मोहन की रैंक फ्रंट से 20 है, यानी कि 20वीं रैंक है इसकी। देयर वर थ्राइज एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट, तो दोस्तों ये हमने फ्रंट माना है, इसको मैंने लिख दिया एफ, तो ये फ्रंट हो गया, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बिहाइंड बी, ये फ्रंट हो गया और ये बिहाइंड हो गया। तो दोस्तों बोला गया देयर वर थ्राइज एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वर इन फ्रंट, तो फ्रंट में मोहन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहाइंड में उसके थ्राइज हैं, यानी 3 गुने हैं। तो मोहन की रैंक 20 है, तो यानी मोहन से पहले फ्रंट में कितने बच्चे होंगे, टोटल 19 होंगे, तो 19 यहां होंगे दोस्तों, तो बिहाइंड में इसके थ्राइज है यानी 3 गुने हैं, तो 19 का 3 गुना दोस्तों कितना हो गया, 57, यानी यहां पर 57 बच्चे होंगे मोहन के बिहाइंड में। तो आगे दोस्तों क्या कहा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन मोहन एंड द 7th स्टूडेंट फ्रॉम द एंड, तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, मोहन तक हो गए 20 और ये 57 हो गए, तो 20 + 57, 20 + 57 दोस्तों कितना हो जाएगा, 77, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमारे 77 है। अब जो हमें कंडीशन दी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन मोहन एंड द 7th स्टूडेंट फ्रॉम द एंड, अब देखिए मोहन हमने ये लिया, तो मोहन की रैंक कितनी है दोस्तों, 20th, तो ये होगी 20, और जो 7th स्टूडेंट होगा एंड से, इस साइड से, तो जो 7th स्टूडेंट है इस साइड से कोई स्टूडेंट है 7th, तो देखिए 20 बच्चे मोहन तक हो गए और 7 बच्चे ये हो गए, तो 20 और 7 हो गए 27, और टोटल 77 है और 27 ये हो गए, तो बीच में कितने बच्चे बचे, 50, 50 + 20 = 70 और 7 = 77, 77। तो दोस्तों पूछा ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन मोहन एंड द 7th स्टूडेंट फ्रॉम द एंड, तो यानी इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 50, तो 50 विल बी द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चुन्नीज रैंक इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड तोलियाज रैंक इज 24th फ्रॉम द राइट, इफ देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन देम व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द रो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मिनिमम स्ट्रेंथ पूछी है, इस क्वेश्चन में दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी पूछी जा सकती थी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के केस में क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता। क्यों सिंपल होता? देखिए चुन्नी की रैंक 25 दी है लेफ्ट से और तोलिया की रैंक 24 दी है राइट से और बीच में 10 बच्चे हैं। तो अब सिंपली क्या करते हैं, 25 प्लस 24 49 और बीच में 10 बच्चे, 49 प्लस 10 59, तो आपका आंसर 59 आ जाता। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता और वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के केस में आप ऐसा करते हैं। अब मिनिमम स्ट्रेंथ के केस में आप कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। तो चुन्नी की रैंक 25 दी है लेफ्ट से, तो हमने यहां लिखा दोस्तों चुन्नी 25th फ्रॉम लेफ्ट, तो ये दोस्तों 25th हो गई लेफ्ट से। और आगे तोलिया की रैंक दी है 24th फ्रॉम राइट, तो हमने यहां लिख लिया तोलिया, तोलिया की रैंक दी है 24th फ्रॉम राइट, तो हमने यहां से 24th ले लिया। ठीक है, अब इफ देर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन देम, तो इनके बीच में 10 बच्चे हैं, तो ये 10 बच्चे हो गए, तो 25 प्लस 24 49 और 10 59, तो ये तो वाला केस हो गया जब मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे। तो मिनिमम में कैसे करेंगे आप देखिए, मिनिमम वाले केस में ये हमने लिखा चुन्नी, चुन्नी की रैंक लिखी हमने 25th। अब तोलिया, इस केस में चुन्नी और तोलिया दोनों इंटरक्रॉस हो जाएंगे, तो तोलिया की रैंक यहां आ जाएगी तोलिया, और तोलिया की रैंक होगी 24th। अब बीच में देखिए 10 बच्चे हैं, तो मिनिमम के केस में कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जब हम यहां से चुन्नी की रैंक काउंट करेंगे तो चुन्नी की रैंक लेफ्ट साइड से 25th आ रही है, चुन्नी की रैंक लेफ्ट साइड से 25th आ रही है, और तोलिया की रैंक जब हम यहां से काउंट करेंगे तो तोलिया की रैंक राइट साइड से 24th आ रही है। तो जब तोलिया की रैंक हम राइट साइड से काउंट कर रहे होंगे तब चुन्नी की रैंक भी शामिल हो जाएगी। चुन्नी की रैंक लेफ्ट से 25th है और जब हम तोलिया की रैंक राइट साइड से काउंट करके 24th में पहुंचेंगे तो चुन्नी की रैंक एक बार और शामिल हो जाएगी, यानी कि चुन्नी की रैंक डबल बार शामिल होगी। सेम केस देखिए तोलिया की रैंक के साथ क्या होगा, तोलिया की रैंक दिए राइट से 24th, अब जो है हम चुन्नी की रैंक जब लेफ्ट से काउंट करेंगे, जब हम यहां से काउंट करते हुए 25th में बढ़ेंगे तो तोलिया की रैंक लेफ्ट से फिर काउंट हो जाएगी, यानी कि तोलिया की रैंक भी डबल बार काउंट हो जाएगी। तो आपको दोस्तों मिनिमम स्ट्रेंथ केस में सिंपली क्या करना है, क्योंकि इसकी रैंक और इसकी रैंक डबल बार शामिल हो रही है, तो 24 प्लस 25 आपने जोड़ दिया और इनकी रैंक डबल बार शामिल हो रही है, इसलिए माइनस 2 कर देंगे। और ये जो 10 बच्चे बीच में आ रहे हैं क्योंकि इंटरक्रॉस हो रहे हैं, तो ये 10 बच्चे भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, अगर मिनिमम स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो जो भी रैंक राइट और लेफ्ट से दी है उन दोनों को जोड़कर माइनस 2 कर देना है। माइनस 2 मतलब उन दोनों की इंडिविजुअल रैंक एक एक बार माइनस हो जाएगी क्योंकि वो डबल बार शामिल हो चुके हैं। और माइनस 10 इसलिए करेंगे क्योंकि जो मिडिल में बच्चे आ रहे हैं, उनके बीच में जो बच्चे आ रहे हैं, उनको ही माइनस करें क्योंकि वो आपस में क्रॉस हो रहे हैं। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 49 माइनस 12 तो 37, तो इस केस में दोस्तों आंसर 37 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप इसी तरह की वीडियोस से आगे भी अपडेट ले सकें और इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आगे भी डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।